नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको आपका शॉप एक्ट का लाइसेंस कैसे निकालना है, यानी अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस कैसे निकालना है। आपके पास किराना शॉप है या फिर अदर कोई शॉप है तो उसका आपको लाइसेंस कैसे निकालना है, वो भी आपको मिनिमम कॉस्ट यानी 23 रुपये सम पैसे में आपको जो है कैसे शॉप एक्ट का लाइसेंस सिर्फ 15 मिनट के अंदर जो है 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपका जो शॉप एक्ट का लाइसेंस है वो इजीली आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हो और यूज कर सकेंगे। तो शॉप एक्ट का लाइसेंस निकालने के आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैसे आपको पूरी तरीके से जो है अप्लाई करना है ये हम देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के जो अपले सरकार .mahaonline.gov.in जो है इस वाले पोर्टल पे आपको चले आना है। यहाँ पर आपको अगर आप नए हैं तो यहाँ से जो है न्यू यूजर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप पुराने हैं तो या फिर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है तो आप यहाँ से जो है यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करके यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है आपको अपले सरकार .mahaonline.gov.in के पोर्टल पे आने के बाद जो है यहाँ पर आपको सिंपली आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जैसे हमने बताया था, या फिर आप लॉग इन करके यहाँ से जो है कैप्चा फिलअप करके यहाँ से आप कर सकते हो। अगर नए हैं तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड है तो हमने यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो है सिंपली कैप्चा फिलअप करना है और आपका यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लॉग इन बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो है इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको सिंपली आप लेफ्ट साइड में जो होम और डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे ऑप्शंस, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। रिवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप राइट साइड पे जो सर्च बार है इसके ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ पे शॉप फिलअप करना है और सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए शॉप इस्टेब्लिशमेंट रिन्यूअल है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। देखिए अगर रिन्यू करना चाहते हो आप रिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर अगर नए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस तरीके का आपका जो है ओपन होगा। आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर आपको अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से कर लेना है। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको जो है सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट जो लेफ्ट साइड पे है आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अगर आपके 0 से लेकर 9 वर्कर्स है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आपको 10 से ज़्यादा वर्कर्स है तो आपके शॉप में तो आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है, औरंगाबाद, नागपुर या फिर पुणे, अमरावती, यहाँ से जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है फिर। और यहाँ पर आपका जो भी आपके नज़दीक जो ऑफिस है आपका उसे आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है या फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर नेम एंड इस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर आपको आपके दुकान का या फिर आपके शॉप का नेम जो है यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। देखिए हम यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है आपके नियरेस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नियरेस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर जो है नेम आपका यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यहाँ पर शॉप इंस्पेक्टर ऑफिस जो है आपको फिलअप करें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके शॉप का नेम जो भी है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अगर आपका पुराना वाला है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। न्यू है तो आप न्यू सेलेक्ट करेंगे या फिर ओल्ड है तो आप ओल्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए
न्यू सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस जो है आपको आपके शॉप का एड्रेस जो है यहाँ पे आपको दे देना है। तो आपका शॉप कहाँ पर भी है वहाँ पे आपको एड्रेस जो है पूरा यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ पर लैंडमार्क या फिर वार्ड इनमें से जो है आपको पूरा जो है फॉर्म फिलअप करना है। जो भी रेड स्टार है उसे आपको यहाँ पे कंफर्मली फिलअप करना है। यहाँ पे तालुका, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और इसमें पिन कोड सब डिटेल जो है आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद ही आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए आपको ईमेल आईडी या फिर यहाँ पे देखिए आपको ओनरशिप का जो है ओनरशिप यहाँ से जो है आप अगर रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट सेलेक्ट करना है और नहीं तो आपको ओन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए सेल्फ सेल्फ ओन है तो आपको ओन सेलेक्ट करना है या फिर आप रेंट है तो रेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जो है डेट आपने कब यहाँ कब स्टार्ट किया था, आपका जो शॉप है कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था या फिर कब आपने स्टार्ट किया था, तो उसे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर नेचर ऑफ बिज़नेस आपका आपके बिज़नेस का नेचर क्या है, यानी आपका किस प्रकार सा जो है काम करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपके आपका शॉप का नेचर कौन सा है, आप किराना शॉप है तो आप यहाँ पे किराना शॉप फिलअप करेंगे या फिर आपका CSC है तो आप यहाँ से जो है CSC या फिर अदर कोई है तो टेलर है या फिर कुछ और जो है आपका शॉप का या फिर बिजनेस का जो नेचर है या यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका जो सेक्टर है आपका प्राइवेट है या फिर पब्लिक है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पर अगर आप खुद का है तो आपको यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट करना है या फिर आपका पब्लिक है तो पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मैन पावर जो है आपको वर्कर्स यहाँ पे आपके आपके शॉप में जितने कामगार है या फिर कितने जो है वर्कर्स है पुरुष कितने काम करते हैं और महिला कितने काम करते हैं यहाँ पर आपको फुल डिटेल जो है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको अगर आपके शॉप में महिला काम नहीं करते तो आपको यहाँ पे ज़ीरो करना है, यहाँ पे ज़ीरो मेंशन करना है यहाँ इस तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पे 1, 2 या फिर आप जितने भी आपके वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपके जो मालिक का नाम है यानी आपके ओनर का जो नाम है आपके खुद का यहाँ पर जो है यहाँ पर फिलअप करना है पूरा नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर जिनका भी जिनके नाम से भी आप बनवा रहे हो लाइसेंस या फिर ओनर कौन ओनर के एड्रेस का जो है यहाँ पर पूरा मेंशन यहाँ पे कर देना है। आपका यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड सब डिटेल जो है यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जो है रेजिडेंसी सिंस यानी आप कितने साल से या फिर कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है और ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देना है। और उसके बाद ओनर का यहाँ पे मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन जो है आप अगर खुद ओनर है तो आपको यहाँ पे ओनर टाइप कर लेना है। ओनर टाइप करके आपको जो है छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर ओनर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ये जो है आप रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आप इसे छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है। आप यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर सकते हो या फिर आप इसे छोड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए आपके कैटेगरी यानी आपका शॉप किस रिलेटेड है, अगर आपका शॉप है या फिर किसी किस कैटेगरी में आता है तो आपको जो है कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर शॉप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट टाइप जो है किस रिलेटेड है, अदर में है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे या फिर इस लिस्ट में आपका जो है उस कैटेगरी में आता है तो आपको जो है उस सेलेक्ट करना है या फिर आपको यहाँ से ऑर्डर कर लेना है। ऑर्डर करके आपको जो है जो साइड में एम्प्टी बॉक्स है यहाँ पर आपका जो है फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पे देखिए एम्प्टी बॉक्स में आपको जो है आप किस रिलेटेड है या टेलर है तो आपको टेलर शॉप फिलअप करना है या फिर किराना है तो यहाँ पर जो है आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। ओनरशिप जो है अगर आपके सेल्फ है तो आप सेल्फ ओनरशिप करेंगे या फिर आप जो है ज्वाइंट है तो आप ज्वाइंट पार्टनरशिप करेंगे, सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो है नीचे आपको आपके फैमिली मेम्बर्स जितने काम करते हैं उनका यहाँ पे आपको नेम फिलअप करना है, नेम फिलअप करना है, डैश देना है और आपसे उनका रिश्ता क्या है, रिलेटिव रिलेशन जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे नेम,
और ब्रदर या फिर मदर फादर यहाँ पर जो फिलअप कर लेना है। इस तरीके से आप अगर इस बॉक्स में फिलअप करते हो तो इंग्लिश में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जो है ट्रांसलेट होके हमारे ओरिजिनल लैंग्वेज में जो है मराठी या फिर हिंदी इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है आपके शॉप में जो आपके फैमिली रिलेटेड जो है कितने काम करते हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आप चाहे तो पूरा फिलअप करने के बाद एग्री कर देना है और सेव एंड डिटेल्स कर लेना है। सेव डिटेल्स करने के बाद आपको जो है यहाँ से सिंपली पेमेंट कर देना है, जो 23 रुपये समथिंग पैसे रहेंगे आपको पेमेंट करने के तुरंत ही आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको सेव डिटेल्स यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली कॉपी करके ओके कर देना है इसके ऊपर। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का आपका जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको यहाँ पर सिंपली जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर अभी तक जनरेट हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल जो आपको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो है सिंपली आपके जितने भी यहाँ से अपलोड कर देना है। अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो अभी तक जो फिलअप किया है आपको डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ से आपका नेम एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो फ़ोटो की लेंथ और विड्थ जो है यहाँ से शो कर रहा है। आपको इसी साइज़ में जो है आपको फ़ोटो यहाँ से चूज़ करना है या फिर सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। उसी तरीके से आपका जो भी सिग्नेचर है सिग्नेचर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर देना है। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एंड ये जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे और कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है एक्चुअल फ़ोटो ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट आपके दुकान का सामने जो फ़ोटो है यानी आपके बैनर के साथ आपका फ़ोटो होना चाहिए। इस तरीके से आपके शॉप का जो है फ़ोटो ले लेना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करने के लिए अगर अदर कोई है तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है आपको कैसे आपको अपलोड करना है तो कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको लेफ्ट वाले इसमें जो देखिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो फॉर्म है आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपका नेम एंड सिग्नेचर जो है कर देना है। और आप इसका फ़ोटो या फिर पीडीएफ फाइल में आपको स्कैन करके जो है अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन एंड एक्चुअल फ़ोटो ऑफ योर शॉप अपलोड करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे अपलोड हो जाएंगे आपको यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का आपका यहाँ पे शो करेगा। आपको जो है यहाँ पर 23 रुपये जो है आपको यहाँ से ऑनलाइन मोड के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे पेमेंट जो है कर देना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पेमेंट जो है कर देना है। यहाँ पे देखिए आप UPI या फिर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट इनमें से कौन सा भी आप जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। हम यहाँ पर सिंपली UPI यूज़ करेंगे बहुत ही आसान है इसलिए। और यहाँ पे जो है पेमेंट के ऊपर आपका जो है पेमेंट यहाँ से कर देना है। पेमेंट जैसे आप करेंगे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है और यहाँ से आपको पेमेंट जो है 23 रुपये 60 पैसे का आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट कर देना है। और यहाँ से आपको जो है 23 रुपये 60 पैसे का जो पेमेंट है आपके मोबाइल से या फिर आप किसी भी डेबिट कार्ड से जैसे हमने बताया था आपको वहाँ से जो है पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा आपका जो है
यहाँ से आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और विद इन 1 आवर में आपका जो है यहाँ से जो है उसका लाइसेंस जो है आप डाउनलोड कर सकेंगे और प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखिए रिसिप्ट जो है जनरेट हो चुका है, आप यहाँ पे इसका रिसिप्ट जो है आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर आपको जो है यहाँ पे हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था यहाँ पे आपको शो कर रहा है डॉक्यूमेंट अटैच, यहाँ पर आपको उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड के ऊपर ओपन होने के बाद आप वहाँ से जो है डायरेक्टली आपका जो भी शॉप एक्ट लाइसेंस है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर जो है ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आपका जो शॉप एक्ट का लाइसेंस है वो यहाँ पर जो देखिए, जैसे हम यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पर जो है डाउनलोड फॉर्म अगर करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो भी लाइसेंस जो है शॉप एक्ट का यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से जो है इसका प्रिंट आउट आप निकाल के जो यूज़ कर सकेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका जो शॉप एक्ट का लाइसेंस है आप इजीली अपने अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर पीसी में जो है आप घर बैठे ही 23 रुपये 7 पैसे के अंदर जो है आप इसका पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में सेव भी कर सकेंगे और प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप जो है किसी भी दुकान का आप जो है शॉप एक्ट का लाइसेंस जो है निकाल सकेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डिटेल जो है आपको यहाँ से आपको कुछ रिलेटेड क्वेरीज है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप जो है शॉप एक्ट का लाइसेंस इजीली अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में बनवा सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।